पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करके गया था कि हत्यारों को पकड़ा जाए उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये एक तरीका है अपनी निष्क्रियता को छुपाने का। आज सांकेतिक प्रदर्शन था, अगर इसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उसका अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो इस सिस्टम में कई ऐसे लोग बैठे हुए विघटनकारी तत्व जो आज भी कांग्रेसी माइंडसेट से सरकार को गाइड कर रहे हैं। गाड़ी बुरी नहीं है, ड्राइवर बुरा है। दुर्ग के गिरधारी नगर में कल एक बछड़े का कटा हुआ सर मिलता है। जब ये बछड़े का कटा हुआ सर मिलता है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा मंच, तमाम जो संगठन है वो आक्रोशित होती है और आक्रोशित होकर कोतवाली थाने का घेराव किया जाता है। अपनी मांग को लेकर आए रहते हैं, जांच की मांग करते हैं और जो भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया है उसको उचित सजा मिले इसके लिए मांग करते हैं। धरना प्रदर्शन चलता है, जोर शोर से नारेबाजी होती है और उसी बीच चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लाठी चार्ज भी किया जाता है, बल का प्रयोग भी किया जाता है और उसके बाद दूसरी ओर से सामने की ओर से पथराव भी किया जाता है जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी लगी है। ये तमाम चीज़ें जो है कल रात को चल रही थी, देर रात 11:30-12 बजे तक ये तमाम चीज़ें चली है। उसके बाद आज कलेक्ट्रेट आए हुए हिंदू युवा मंच के सभी साथी लोग आए हुए हैं और आने के बाद यहाँ ज्ञापन सौंप के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो भी इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहा है, चाहे वो दुर्ग में हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में हो, इस प्रकार के कृत्य को रोकना अति आवश्यक है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और अगर हुआ तो हिंदू युवा मंच अगली बार उग्र आंदोलन करेगा और सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर न्याय मांगता हुआ दिखाई देगा। तमाम चीज़ें आज कलेक्ट्रेट के सामने हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो घेराव किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू युवा मंच का इस मामले में क्या कहना है, आगे वो क्या स्टैंड ले रहे हैं, ये आपको बताएंगे। बन रही हमारे साथ हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। कल जो भी चीज़ दुर्ग जिले में हुई किस प्रकार से देखते हैं? ये हिंदू युवा मंच का प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था, क्या कुछ आज बात हुई है? प्रशासन से मांग की है कि पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करके गया था कि हत्यारों को पकड़ा जाए उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये एक तरीका है अपनी निष्क्रियता को छुपाने का, क्योंकि अगर पुलिस निष्क्रिय नहीं रहती तो ये घटना होती तो तुरंत उसके दोषियों पे कार्रवाई हो जाती, क्योंकि आजकल गली गली हर चौक चौराहे पर CCTV लगा हुआ है। पुलिस अगर इनको लाठीचार्ज करने की जगह अगर तफ्तीश करती तो जल्दी शायद है ना दोषियों को पकड़ा जाता, और दोषियों को पकड़ा जाता तो माहौल इतना खराब नहीं होता। फिर भी अभी माहौल ऐसा कोई खराब नहीं हुआ है। पुलिस से हम आग्रह करने गए थे कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन में जो दोषी है उनको भी चिन्हांकित करके उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदू समाज जो शांतिपूर्ण आंदोलन करता है आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहीं से विधि सम्मत नहीं है। सामने की ओर से भी पथराव किए गए थे, कई पुलिस वालों को चोटें भी लगी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस पे जो पथराव हुआ था उसकी तो हम निंदा करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने भी किया उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, कल कटा हुआ सर मिलता है, उससे कुछ दिन पहले जो है मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाय पर चाकूबाजी की जाती है, चाकू से हमला किया जाता है, उसको किस प्रकार से देखते हैं हिंदू युवा मंच? एक तरह से ये एक घोषणा है कि जिस तरह से हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया है और हिंदू समाज के लिए एक काम किया है कि भाजपा की सरकार लाई है, तो इस पे कुछ विघटनकारी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो ये शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ को अशांतिपूर्ण करना चाह रहे हैं, जो हम जिसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे तत्काल कार्रवाई करे जाए, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ है ये गौ माता की जननी है। मतलब यहाँ पे गौ माता का जो सम्मान होता है वो पूरे भारत में कहीं नहीं होता है, और यहाँ पर ये जो हरकत है ये बहुत गलत है, क्योंकि सब जगह पे ये प्रचलित है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़ के लोग इस तरीके की हरकत कभी नहीं कर सकते। हो सकता है बाहर से आए जो हैं जिनको यहाँ पे बसाया गया वो ये हरकत कर सकते हैं यहाँ की फिजा को खराब करने के लिए। आज सांकेतिक प्रदर्शन था, अगर इसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उसका अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? हिंदू युवा मंच ने प्रशासन को आगाह किया है कि आज अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलन पे कोई कार्रवाई नहीं करते तो अगली बार हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगी। ये सब जो घटना लगातार होते आ रही है, हिंदू युवा मंच लगातार आवाज उठाता आ रहा है, मगर रोकथाम नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या अगला स्टेप होगा? देखिए, अभी एक पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें बोलते हैं कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो इस सिस्टम में कई ऐसे लोग बैठे हुए विघटनकारी तत्व जो आज भी कांग्रेसी माइंडसेट से सरकार को गाइड कर रहे हैं। गाड़ी बुरी नहीं है, ड्राइवर बुरा है, तो ड्राइवर को ठीक करने का काम, प्रशासन को ठीक करने का काम हमारे नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व से। हमारी मांग यही है कि छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को
जांच करके उचित कार्रवाई कर। समय रहते ड्राइवर नहीं सुधरा तो क्या किया जाएगा? समय रहते ड्राइवर नहीं चाहिए सुधरा तो हिंदू समाज रोड पर आएगा। हिंदू समाज किसी जब भूपेश सरकार से नीड रहे तो ये तो हमारी सरकार। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम किसी से डरते नहीं है। अगर हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। हम अपने तरीके से जो सारी चीजें हैं उसको सामने लेकर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस कृत को लेकर जो कार्रवाई होगी पल पल के अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज मुख्य रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, टीम तुगड़िया जी, जो आज हम लोग का जो विषय है कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए, इसमें हमारे मुख्य जो हमारे संगठन की संरचना बोलती है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। किसका? हमारे संस्कार का, हमारे विचारधारा का, हमारे हिंदुत्व का, मंदिरों का और हमारे संस्कार का। जैसे कि विदेशी प्रवृत्ति हावी होते जा रही है आज के डेट में सबके ऊपर, तो ये हमारा विनाश कर रही है, तो इसका भी विरोध करना है। इसका कुछ ना कुछ जो है जो साइड इफेक्ट है ये आप लोग सभी देख ही रहे हैं, समाज में हमारे शासन प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं। दूसरा जो हमारा जो विषय है कि लंगूरवीर मंदिर जो कि यहाँ का अति प्राचीन मंदिर है, इसका अतिक्रमण होते जा रहा है चारों तरफ से और इसको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसा विषय था इसको लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। और गौ रक्षा का जो कल मामला आया है जिसके लिए हम कल गए भी थे और हमारे को पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, पूरा भरपूर सहयोग मिला और सही कार्रवाई करने में हमारा मार्गदर्शन दिया गया माननीय CSP जी द्वारा, तो उसके लिए भी मैं उनका आभार करता हूं। और हमने उचित कार्रवाई करने से क्या होता है कि आगे लंबे समय तक केस चलेगा और उसको दोषी को सजा होगी और उद्घंटा करने से जो मूल विषय है वो हट जाता है और विषय भटक जाता है। तो इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय बजरंग दल का जो भी आंदोलन होता है वो हम पूरा संवैधानिक रूप से करते हैं, क्योंकि हमारे जो सभी कार्यकर्ता और हम लोग वर्क करके ट्रेनिंग करके बराबर ट्रेनिंग किए हुआ है कि कैसे विरोध करना है और किस तरीके से हमें अपनी बात मनवानी है शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से सभी बात मनेगा, क्योंकि बात तो अल्टीमेटली संविधान से ही मनवाना है या फिर हमें शासन प्रशासन से ही काम कराना है, तो उनकी जो गतिविधि है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। और एक हमारा मुद्दा और था जो कोरोना के बाद निरंतर हमने यहाँ 10-15 बार कर चुके हैं ब्याजखोरों को लेकर के, जो कि हिंदू समाज ही उसमें टारगेटेड है और ये लोग कानून के जो कमजोरी होता है उसका फायदा उठा करके, जैसे चेक है 138 का मामला ब्लैंक चेक लेकर के बना देते हैं, ब्याज लेते हैं 200%, तो मूलधन को बढ़ा देते हैं, 2 लाख का मूलधन को 10 लाख करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब इसके बाद कानून भी बेबस हो जाता है अपनी कमजोरी से, वकील जज जानते हुए भी इस विषय में कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ विषयों को लेकर के हम कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन देने आए हैं और ये हमारे मुख्यतः अभी 3 मुद्दे हैं, गौ हत्या, मंदिर और ब्याजखोरी। तो हमारा इसमें आग्रह है शासन से कि इसमें कड़ी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय बजरंग दल जो कि अभी छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और लगभग 20 जिलों में हमारे सक्रिय संगठन है, महासमुंद में जो हमारे पूर्ण प्रांत अध्यक्ष थे माननीय महेंद्र साहू जी, जिनका दायित्व अभी मुझे दिया गया है और उसको प्रांत महामंत्री का उन्हें घोषणा किया गया, वहां पे भी हमारी अच्छी संख्या है, तो लगभग 1.5-2 लाख की संख्या में हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे संवैधानिक प्रक्रिया से। जय जय। जय श्री राम।